वेलकम टू गेटहब। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आइसोलेटेड टीबीम। ठीक है, इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने केवल टीबीम के ऊपर बात किए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आइसोलेटेड टीबीम रहेगा तब हम कैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये हमारा एक क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको क्या निकालना है। ठीक है, एन आइसोलेटेड टीबीम ऑफ स्पैन 4.8 मीटर हैज अ फ्लैंज विड्थ ऑफ 800 मिलीमीटर एंड अफेक्टिव डेप्थ ऑफ 410 मिलीमीटर। द रिव इज 300 मिलीमीटर वाइड इफ इफ इट इज रिइंफोर्स्ड विद 5 बार्स ऑफ 20 मिलीमीटर डायमीटर। फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम सेक्शन। ठीक है कि हमें क्वेश्चन में देके रखा है कि इसकी हमारा एक आइसोलेटेड टी बीम है ना, तो उसका जो विड्थ दिया गया है वो दिया गया है, आपका लंबाई दिया गया है 4.8 मीटर एंड आपका फ्लेंज का जो विड्थ है वो 800 मिलीमीटर है। ठीक है, और मेरा फ्लेंज का जो थिकनेस है, डेप्थ है, वो है 130 मिलीमीटर एंड रिब का जो आपका विड्थ है वो है 300 मिलीमीटर। और इसमें बोल के रखा है कि 5 बार्स लगाया गया है यहाँ पे। ठीक है, कितना 20 मिलीमीटर डायमीटर का एंड अफेक्टिव डेप्थ है 410 मिलीमीटर। तो हमको यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस आइसोलेटेड टीबीम का। ओके, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल गेटहब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे इस चैनल गेटहब को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं दिया गया, तो ठीक है, तो सॉल्यूशन चलिए इसका सबसे पहले करते हैं। अगर हम मान के चल रहे हैं M20 में, मान के चल रहा हूँ, ठीक है कि M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट है ना। अब हम चलिए सबसे पहले इसमें करते हैं इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ निकालना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि ये हमारा आइसोलेटेड टीबीम है, है ना। तो इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ का फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका, इस कोड में दिया गया है L0 / B + BR, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा B और BR क्या है ना। तो L0 कितना है, इस L0 है मेरा 4.8 मीटर एंड B कितना है, जो विड्थ यहाँ पे दिया गया है वो कितना है 800। BR रिब का विड्थ कितना दिया गया है, ये BR है ना, एंड ये है BS, तो ये वैल्यू कितनी है 300। अब मैं सारे वैल्यू को इस पे पुट करूंगा, यहाँ पे अफेक्टिव विड्थ निकाल लेंगे। ठीक है, अफेक्टिव विड्थ ओके, तो अफेक्टिव विड्थ मेरा निकलेगा, एल नो, मैं सारे वैल्यू को यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, 4.8 / मैं इसको मिलीमीटर कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मिलीमीटर में ये हो जाएगा 4800 / 800 + 300। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारा 780 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमारा M20 ऑफ ग्रेड कंक्रीट यूज किया गया है, तो M का वैल्यू कितना ले लेंगे, 13.33 है ना। अब हमको यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील निकालना पड़ेगा। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्टील हमको यहाँ पे बार के फॉर्म में दिया गया है, स्टील कितना बार से, 5 बार से, एक बार का एरिया कितना है π/4 × 20² तो यहाँ से मेरा AST का वैल्यू निकलेगा, वो निकलेगा 1570 × 0.8 mm². तो हमको यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील भी निकल गया, इफेक्टिव आपका विड्थ भी निकल गया, फ्लेंज विड्थ। अब हम इसमें क्या करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो न्यूट्रल एक्सिस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें देखेंगे हम, इसमें एक चीज मान के चल रहे हैं। ठीक है, एज्यूमिंग न्यूट्रल लाइज ऑन फ्लेंज। ठीक है, ये जो मेरा फ्लेंज है कि हमारा मान के चल रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस है मेरा इस फ्लेंज के कहीं लाइक कर रहा है, चाहे यहाँ करे चाहे यहाँ करे, बट ये हमारा फ्लेंज में ही लाइक कर रहा है, मैं इसका एजम्पशन लेके चल रहा हूँ। ठीक है,
तो चलिए हम देख लेते हैं, जब मेरा न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगा फ्लेंज में, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी एन स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू एम ए एस टी इंटू डी माइनस एन, है ना। मेरा न्यूट्रल एक्सिस एन है जिसका लोकेशन, तो सर वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, तो उसके बाद यहाँ से मैं एन निकाल दूंगा। तो बी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ चुका है, इफेक्टिव विड्थ का वो कितना आ चुका है यहाँ पे 780 इंटू एन स्क्वायर अपॉन टू, एम का वैल्यू कितना 13.33। एस टी का वैल्यू निकाल चुके हैं 1570.8 मिलीमीटर स्क्वायर। अब डी का वैल्यू दिया गया 410 माइनस यहाँ से एन, तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके सबसे पहले मैं यहाँ से एन का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो एन का वैल्यू यहाँ पे मेरा आ गया 123.9 मिलीमीटर, है ना। तो अब देखिए ये आ गया कितना 123.9 मिलीमीटर, और यहाँ पे जो मेरा रिब का थिकनेस कितना 130, यानी ये लाई कहाँ पे करेगा, फ्लेंज में ही कर रहा है, ठीक है। तो आवर अजम्पशन इज ट्रू, है ना, कि हमारा जो अजम्पशन है वो ट्रू है, जिसमें कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा देखिए, चलिए इस केस में व्हेन एंड हमारा कंक्रीट कितना का लेंगे हम, स्टील कितना होगा, तो स्टील लेंगे हम Fe 250, है ना। तो हमारा यहाँ से क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल एक्स बैलेंस निकालना पड़ेगा, या फिर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ेगा, यानी एक्स बैलेंस, है ना। तो एक्स बैलेंस मेरा क्या हो जाएगा इस केस के लिए 0.4 Fe 250 एंड M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट जब रहेगा तो मेरा ये हो जाता है एक्स बैलेंस, इसको आप याद कर लो, ठीक है। तो ये मेरा 0.4 इंटू डेप्थ, हम यहाँ पे कितना इसमें यूज करेंगे, इस 410, तो मेरा एक्स बैलेंस यहाँ पे कितना आ गया 164, है ना। तो आप यहाँ से एक चीज देख सकते हो, इतना मेरा यहाँ पे वैल्यू आ चुका है। तो जो मेरा है एक्स बैलेंस, ये एन इज लेस देन एक्स बैलेंस, क्योंकि एन का वैल्यू यहाँ पे जो हम निकाल चुके हैं वो है 123.9, और इसकी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे आ रहा है 164। तो हमारा ये क्या हो गया, अंडर रिइंफोर्स सेक्शन, अंडर रिइंफोर्स सेक्शन, है ना। तो हमारे आपको यहाँ से पता चल गया कि अंडर रिइंफोर्स सेक्शन है, तो उसके लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, एम ओ आर इक्वल टू ए एस टी ओके सिग्मा एस टी इंटू डी बाय वाई वाई बार, है ना। या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए एस टी सिग्मा एस टी इंटू डी माइनस एन बाय थ्री, है ना। तो ये भी हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा। तो चलिए हम इस फॉर्मूले में सारे वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको वाई बार निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरा एन का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो एस टी का वैल्यू मेरा यहाँ पे है 1570.8 इंटू एस टी का वैल्यू कितना है 4140, ठीक है। 4 ये बोलेगा 4 एफ ई 250 के लिए जो मेरा वैल्यू होता है वो होता है सिग्मा एस टी का 140, है ना। 140 इंटू डी का वैल्यू कितना है 410 माइनस एन का वैल्यू 123, ओके एन का वैल्यू 123.9 अपॉन 3। मैं सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 80.685 किलो न्यूटन मीटर, ओके। तो हमको यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल गया, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एंड अगर आपका कोई सजेशन होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में सजेशन कीजिए, और अगर आपको कोई सब्जेक्ट में डाउट है कोई टॉपिक में तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।